परमावतार श्री कृष्ण। अब मुझे अपने शरीर के अग्नि तत्व से संपूर्ण ताप को नियंत्रित करना होगा। अपनी बहन योगमाया तथा गांव वालों की रक्षा हेतु सूर्य के अधिकतम ताप को धारण करते हैं कान्हा। मुझे तुम्हारे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, मुझे आवश्यकता है पर्वतराज की उपाधि की। विंध्याचल के अहंकार को नष्ट करने हेतु उससे भी विशालकाय रूप धारण करती है योगमाया। पीड़ित गांव वालों के उपचार के लिए कान्हा द्वारा बनाया पंचामृत बनता है सबके जीवन का संकट। आप लोगों को कैसे ठीक किया जा सकता है देवी? पुनेन औषधि, किंतु अभी उस कंस की बंदी बन गई है। कैसे करेंगे कान्हा दिव्य औषधियों के बिना वृंदावन वासियों के प्राणों की रक्षा? योगमाया, यदि तू नहीं आई तो संसार को पुनर्जीवन देने वाली तेरी औषधियों का मैं अग्निदान कर दूंगा। पापी कंस, मैं आ रही हूँ। कंस के पापों का दंड देने हेतु देवी योगमाया धारण करती है महाकाली का विकराल रूप। कंस, अब तुम्हारी शक्तियों को बांधने का समय आ गया है। मथुरा की सीमा को देवी के बीज मंत्र से अभिमंत्रित कर कान्हा करते हैं कंस को मथुरा के भीतर बंद। कौन है जो मुझे सीमा रेखा में बांधने का प्रयास कर रहा है? वृंदावन वासियों की रक्षा हेतु खत्री पर्वत धारण करते हैं ज्वरासुर का आसुरी वेश। मुझे मेरे अधर्मों का दंड दीजिए माता। देवी योगमाया तथा दिव्य औषधियों से विंध्याचल पर्वत पर वास करने का अनुरोध करते हैं कान्हा। ये अहंकारी पर्वत से एक विनयी भक्त बन चुका है। एक अहंकारी और अधर्मी पर्वत को मैं अपना निवास स्थल नहीं बना सकती। कल देखिए देवी विंध्यवासिनी की कहानी। अब कल केवल मथुरा तक ही सीमित रह गया है। उस बालक अवतार को मथुरा बुलाने का कोई मार्ग तो बताइए। आपकी चिंताओं और समस्याओं का एक ही समाधान है महाराज जरासंध। मथुरा में बंधक बना कंस भिजवाता है महाबली जरासंध को मथुरा आने का संदेश। कंस तथा जरासंध की शक्तियों का सामना करने हेतु कान्हा को करनी होगी अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति। अपने जमाता कंस को मृत्यु से बचाने हेतु महाशक्तिशाली जरासंध आए हैं मथुरा। अब तुम देखना मैं कैसे तुम्हारे शत्रु बालक का अंत करता हूँ। हम वहाँ पहुँचेंगे कैसे? मेरी असुरी शक्ति असुरी सिद्धियों द्वारा। और कान्हा तथा गोप बालकों की शिक्षा ग्रहण करने के मध्य आता है विसंगत धर्म। वृंदावन वासियों, ये कौन सा अनर्थ करने चल पड़े हो तुम लोग? अब तुम देखना मैं कैसे तुम्हारे शत्रु बालक का अंत करता हूँ। अपनी आसुरी शक्तियों से जरासंध कंस को भेजेंगे काल चक्र के उस खंड में जब हुआ था देवकी के आठवें पुत्र का जन्म। ऋषि गर्गाचार्य से कंस के नए षड्यंत्र को जान आश्चर्यचकित रह जाते हैं कान्हा। जरासंध की काल चक्र सिद्धि द्वारा भूतकाल में प्रवेश कर कंस बढ़ता है देवकी के गर्भ से जन्मे अपने काल का अंत करने। अब मैं विष्णु के उस अवतार उस बालक की हत्या करके अपने भूत सुधारूंगा। कंस जरासंध की सहायता से उस काल में प्रवेश कर गया है जहां उसे मारने वाले देवकी और वासुदेव के आठवें पुत्र का जन्म हुआ था। तब तो मुझे अतीत में जाकर कंस को अनर्थ करने से रोकना होगा। भगवान प्रभु, कान्हा सत्य कह रहा था, हम व्यर्थ ही चिंतित हो रहे थे। हमारा भगवान तो सदैव हमारे साथ ही रहता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ।
ईश्वर है, हमारा भगवान है। राधे श्याम 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 राधे श्याम। वासुदेव, इस बालक का जन्म संसार में अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। जाओ, इस बालक को गोकुल में नंद के यहाँ ले जाओ और इसके स्थान पर नंद की पुत्री को यहाँ ले आ। यही नियति द्वारा निर्धारित है। मुझे इस कंदरा में प्रवेश नहीं होगा। इस पर्वत पर प्रवेश करने का और कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं। अब मैं क्या करूं? कैसे रोकूं इस अनुष्ठान को? मैं जरासंध तक नहीं पहुंच सकता, किंतु मेरा स्वर तो उस तक पहुंच सकता है ना? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। यह कैसे संभव हो सकता है? ठहर जाओ काना। प्रणाम गुरुदेव। ये पर्वत अभेद्य है काना, इसे भेदने के प्रयास में समय नष्ट ना करो। इसमें प्रवेश करने का तुम्हें कोई अन्य मार्ग ही ढूंढना होगा। किंतु गुरुदेव, इस पर्वत पर प्रवेश करने का और कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं। जीजाश्री, कंस धाम से भगवान कंस का जीवन चुरा कर ले जा रहे हो। देवकी की आठवीं संतान को मारने हेतु महाबली जरासंध करते हैं भूतकाल में प्रवेश। जमाता, शत्रु कितना भी छोटा क्यों ना हो, किंतु उसे मारने में विलंब नहीं करना चाहिए। और अनीमा सिद्धि की सहायता से कान्हा करेंगे जरासंध के काल चक्र अनुष्ठान को भंग करने का प्रयास। राम राम मौसी जी। अरे दाम दाम चंदा मौसी, बोल दाम दाम। कट पीस लाया है। अरे इसको तो देख के हमारे कोटे की रौनक ही बदल गई। चलिए अभी सब बैठे हैं तो एक बढ़िया सी गेम खिलाता हूँ आप सबको। आज रागिनी हम सबको कुछ अच्छा सा सच बताएगी, ठीक है रागिनी? ठीक है मिस्टर जी। जब से हम दोनों फिर से दोबारा वापस मिले तब से लेकर अब तक कोई ऐसी बात है जो तुमने मुझसे छुपाई हो या नहीं बताई हो? गोरी मैम, हम क्या बताएं? इतने परेशान जी, सारे ज़ॉम्बियन ने हमारी नाक में दम कर रखे हुए, पूरा हमारा थाना पुलिस स्टेशन घेर ला हुए। राम, ये सब क्या हो रहा है? हमरी तो कछु नहीं समझ आ रहा। अबे प्रेम, घर जा, क्यों आ गया है मरने बे? जिंदा लाश बनकर रह जाएगा, जिंदा लाश। मैं इन ज़ॉम्बियों से नहीं डरता हूँ, समझा? सारे अपने पीछे देखो,